डेंगू वायरस एक ऐसी मोहलिक बीमारी जिसकी अलामत तो एक आम बुखार की तरह होती है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू एक किस्म का वायरस है जो एक खास किस्म का मच्छर जिसको एडिस मॉस्किटो कहते हैं के काटने से जिस्म में दाखिल होता है। चूंकि डेंगू एक किस्म का वायरस है इसलिए इसमें आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। डेंगू का वाहिद और मौसर इलाज सिर्फ एहतियात है। डेंगू बुखार में जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और अगर लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मुझे डेंगू हुआ था तो मैंने ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर की थी। डेंगू बुखार की चंद अलामात हैं जो अमूमन पहले दूसरे दिन में वाजिया हो जाते हैं। अगर आपको डेंगू बुखार होता है तो आपके सर में और जिस्म में दर्द रहता है। नॉर्मली इंसान के जिस्म में 1.5 लाख से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू हो जाता है तो आपके प्लेटलेट्स जो है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। आपके प्लेटलेट्स की मिकदार 25,000 से 20,000 पर आ जाए तो ये एक खतरनाक अलामत है। इसमें अमूमन होता यह है कि आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको डायरिया हो जाता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए डेंगू वायरस का सबसे मौसर इलाज है एहतियात और अच्छी खुराक। आप जितना अच्छा इनटेक रखेंगे उतनी जल्दी आप डेंगू से रिकवर करेंगे। अमूमन डेंगू बुखार जो है वो 7 से 10 दिन तक रहता है। अब यहाँ मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो पर्सनली मैंने खुद इस्तेमाल की थी जब मुझे डेंगू वायरस हुआ था, जिनसे जो मेरे प्लेटलेट्स हैं वो तेजी से इंक्रीज हुए थे। क्योंकि जब मुझे डेंगू हुआ था तो मेरे प्लेटलेट्स जो थे वो 33,000 से भी कम रह गए थे। इसमें सबसे अहम चीज़ है पपीता। पपीता डेंगू बुखार में एक बेहतरीन चीज़ है। आप दिन में 3-4 दफ़ा पपीता ज़रूर खाएं और हो सके तो इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू डाल के खाएं, क्योंकि इससे आपके प्लेटलेट्स की जो मिकदार है वो तेज़ी से बढ़ेगी। इसके बाद आ जाता है गन्ने का जूस। गन्ने का रो जो है वो भी डेंगू बुखार में बहुत मौसर है। दिन में 3-4 ग्लास इसके ज़रूर पिएं और लीमू का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके वो करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके प्लेटलेट्स की बढ़ाने में मदद देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पी थी वो था पपीते के पत्तों का रस। अगर आपको कहीं से पपीते के पत्ते मिल जाते हैं तो आप उसका थोड़ा सा रस निकाल कर वो एक चम्मच जो है वो आप शहद के साथ ले लें, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1-2 चम्मच आप ले लें। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। इसके अलावा ताज़ा जूस और फ्रूट्स जितने आप ले सकते हैं आप लें, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब डेंगू बुखार होता है कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता और आपको बहुत वीकनेस होती है। सो इसमें बेहतरीन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें और जूसेस ज़्यादा लें। जितना ज़्यादा इनटेक आपका अच्छा होगा उतनी जल्दी आप इससे रिकवर करेंगे। जैसे जैसे आपके प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ना शुरू होगी आपका डेंगू वायरस ख़त्म होने लगेगा। एक और अहम बात जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि अगर आपको डेंगू बुखार हो जाता है तो आपने अपना ब्लड CP डेली कराना है। उससे होगा ये कि आपको अपने प्लेटलेट्स की तादाद का पता चलता रहेगा कि वो कितने बढ़ रहे हैं। डेंगू चूंकि एक वायरस है तो ये दूसरे को भी लग सकता है, लेकिन वो इस तरह नहीं कि किसी को छूने से या साथ बैठने से लगेगा, बल्कि होता यह है कि अगर एक नॉर्मल मच्छर भी डेंगू मरीज को काट ले और वो मच्छर अगर किसी दूसरे इंसान को काट ले तो उसके जिस्म में भी ये वायरस दाखिल हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई मरीज है डेंगू का तो आप अपने घर में डेंगू स्प्रे करवाएं, मच्छर मार अद्वियात इस्तेमाल करें और मरीज के लिए मच्छरदानी जरूर लगाएं। अमूमन डेंगू बुखार में रिकवर करने के बाद भी 4 से 5 दिन कमजोरी रहती है, तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। डेंगू वायरस का वाहिद इलाज एहतियात है। अगर आपको भी डेंगू बुखार के लिए कोई घरेलू टोटका या रेमेडी मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।